स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब पे। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है आप लोगों की, काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है, मतलब CSIR की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। इसका पूरा नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। यहाँ आप लोग क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ पर डिप्लोमा किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने BTech या फिर अदर कोई ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए अलग वैकेंसी निकाली गई है और एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है तो दोनों का अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी जो है CSIR की तरफ से आ रही है। CSIR स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की तरफ से वैकेंसी आ रही है गाइस। ये साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर की तरफ से ये वैकेंसी तमिल, यहाँ पर देख सकते हैं चेन्नई आप लोग की लोकेशन रहेगी। और गाइस, ये आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। कई सारी आप लोगों को यहाँ पर, मतलब काफ़ी सारी पोस्ट दी गई है, तो मैं आप लोग को जल्दी जल्दी से डिस्कस करूँगी जिससे कि सभी पोस्ट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर पाऊँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी गाइस, यहाँ पर देखिए वॉक इन इंटरव्यू कब है आप लोग का। 31 मई को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, तो सभी स्टूडेंट अटेंड करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वन बाय वन आप लोग को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ पर गेट क्वालिफाई किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टूडेंट आप लोग, मतलब गेट नहीं किया है तो भी एलिजिबल है और गेट आप लोग क्वालिफाइड हैं तो भी एलिजिबल है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले जो आप लोग की पोजीशन दे रखी है गाइस, आप लोग यहाँ पर देखिए एसोसिएट की है। और आप लोग यहाँ पर जो है सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ आप लोग गेट वाले वैलिड हैं, अगर गेट नहीं है तो भी वैलिड है आप लोग। 31,000 प्लस आप लोग की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट जॉब मैं बताऊँ गाइस। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, मैं आप लोग को थोड़ा, मतलब यहाँ पर जल्दी जल्दी से बात करूँगी जिस, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी आप लोग की अपडेट निकाली गई है। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग का जो है, आप लोग की नॉलेज वगैरह, जैसे ऑटो गाइड वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये मेन चीज़ रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, सिविल में होनी चाहिए, बीई बीटेक वाले एलिजिबल हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एमई एमटेक एमएस कर रखा है आप, 35,000 आप लोग की सैलरी रहेगी तो आप लोग एलिजिबल हैं। जिस वैकेंसी में आप लोग से एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जिसमें नहीं मांगा गया है उसमें नहीं चाहिए। इसमें गेट स्कोर आप लोगों ने जितना किया है वो आप लोग यहां पर लगा देना, उसके आधार पर आप लोग का यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर आप लोग के देखिए यहां पर देख सकते हैं मैटलैब वगैरह में एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक नॉलेज होती है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं गाइस, आप लोगों की ये जो वैकेंसी है काफी अच्छी वैकेंसी थी। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है 3rd नंबर की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, यहाँ पर आप लोग की सिविल, ये जो है आप लोग की 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, सिविल डिपार्टमेंट रहेगा। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर आप लोगों से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास यहाँ पर नॉलेज है, ठीक है, एमएस ऑफिस वगैरह में या फिर ऑटो कैड में, तो अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि ये एक, मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर नहीं भी है तो आप लोग एक काम कर लेना, ऑटो कैड और जो है एमएस ऑफिस की काफ़ी सारा वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, वहाँ पे जाकर देख लेना। 20,000 आप लोग की यहाँ पर सैलरी रहेगी और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है गाइस। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट 4th नंबर है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, बीई बीटेक सिविल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक वाले अप्लाई कर लेंगे, गेट अलग, गेट का जो है स्कोर कार्ड है तो आप लोग के पास ज़रूर इसमें लगा दें, काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोग को। और सैलरी आप लोग का पैकेज 31,000 रहेगा, सैलरी 31,000 आप लोग को दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वालिफिकेशन बीई बीटेक और अपल यहाँ पर दी जाएगी। एक्सपीरियंस जिस वैकेंसी में मांगा गया उसमें लगाएं और जिसमें नहीं मांगा गया उसमें फ्रेशर अप्लाई करेंगे। 5th नंबर जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए है, बीई बीटेक सिविल वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एमई एमटेक सिविल से है तो आप लोग अप्लाई करेंगे। गेट आप लोग का, गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और 35,000 आप लोग को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट जो वैकेंसी दी गई है उसके लिए देखते हैं, यहाँ पर जो 6th नंबर की है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है, बीई बीटेक सिविल में अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एमई एमटेक या सिविल से हैं अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 से आप लोग की सैलरी प्रोवाइड की गई है गाइस, ये मेन चीज़ रखी गई है। इन इनमें कुछ जो हमारे ग्रेजुएट वाले हैं, कुछ में एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं, कुछ में फ्रेशर्स वाले।
तो गाइज यहाँ पर नंबर 7 की वैकेंसी दी गई है, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की बीई बीटेक सिविल डिपार्टमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाली ब्रांच से किया हुआ है, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपने यहाँ पर डिग्री ले रखा है सिविल से तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग का यहाँ पर डिग्री मतलब जो है सिविल और स्ट्रक्चरल में डिग्री होना चाहिए। 42,000 आप लोगों की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, क्योंकि गाइस एक्सपीरियंस भी तो बहुत ज़्यादा मांग लिया गया है, तो ये चीज़ मेन है आप लोगों की। और 8 नंबर की यहाँ पर दी गई है प्रोजेक्ट एसोसिएट की बीई बीटेक सिविल से है, मैकेनिकल से है, तो अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमई एमटेक एमएस ये अप्लाई कर सकते हैं, 35,000 आप लोग के यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की दी गई है, 3 साल का आप लोग का पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से और मैकेनिकल से, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिविल में है मैकेनिकल में है, 3 साल का डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली ऑन आप लोग के पास जो है ऑटो कैड की नॉलेज होनी चाहिए तो अप्लाई, अगर नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखे, 1-2 क्लास देख लेना, उसमें आप लोग को काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। 20,000 सैलरी रखी गई है, पर मंथ सैलरी दी गई है, और गाइस परमानेंट आप लोग का जॉब रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं छोड़ना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दें। यहाँ पर जो नेक्स्ट आप लोग का जॉब दिया गया है गाइस, नंबर 10 वाला, ये है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, और आप लोगों का यहाँ पर देखिए कोई मतलब का एक्सपीरियंस वगैरह है ऑटो कैड में तो आप लोग कर देना, ठीक है। जो है ऑटो कैड में ही आप लोग का मांगा गया है, 20,000 आप लोग की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोग का दिया गया है प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट में गाइज बीई हो गया, बीटेक हो गया सिविल में, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं गेट का स्कोर कार्ड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 या फिर मतलब 31,000 आप लोग की सैलरी रहेगी, प्लस ही रहेगी गाइस आप लोगों की, ये चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर 11th आप मतलब 12th नंबर है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की दी गई है, बीई बीटेक सिविल ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, गेट का मतलब जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए, 31,000 प्लस आप लोग की सैलरी दी जाएगी, और आप लोग की इन चीज़ों में थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके तो गाइस इसी तरीके से आप लोग की यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी दी गई है। एसोसिएट सेकेंड की दी गई है, इसमें भी देखिए बीई बीटेक वाले एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस मतलब होना चाहिए, 35,000 आप लोग की सैलरी दी गई है। एमई एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बता देती हूँ, देखिए काफ़ी सारी वैकेंसी दी गई है यहाँ पर, तो 14 नंबर दी गई है प्रोजेक्ट एसोसिएट की बीई बीटेक एलिजिबल है और गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और आप लोग को ये 15 नंबर भी बीई बीटेक एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी देखिए आप लोग का 35,000 सेम ही दिया गया है, यहाँ पर भी आप लोग का जो 16 नंबर का दिया गया बीई बीटेक आप लोग का होना चाहिए, गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। साथ ही देखिए 17 नंबर है बीई बीटेक आप लोग एलिजिबल रहेंगे, और भी यहाँ पर आप लोग जो है एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, तो ये मेन चीज़ है। साथ ही देखिए टाइमिंग दी गई है गाइस, 31 मई को जाना है 9 बजे से 11 बजे तक आप लोग को केंद्र पर पहुँच जाना है, आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, और वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है 31 मई है, उसी दिन आप लोग जाएंगे। साथ ही देखिए क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई हैं, और आप लोग को किस लोकेशन पर जाना है वो भी बताया गया है। तो चलिए मैं आप लोग को लोकेशन बता देती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ में ये भी दिया गया है कि लोकेशन क्या रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं साइन किए गए हैं, और यहाँ पर आप लोग को जो मतलब जो लोकेशन है उसका जो है आप लोग को मैप भी दिया गया है किस तरीके से जाना है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना गाइस, डाउनलोड अच्छे से कर लेना। अगर देखिए जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग लिंक पर क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें कर देना गो टू साइट, उस पर क्लिक कर देना, फिर आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद ये फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म का प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवाने के बाद आप लोगों को अपने साथ लेके जाना है। इसमें देखिए फोटो वगैरह चिपकाना, नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी लिखने के बाद आप लोग इसको अच्छे से लिख के और आप लोग साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि गाइस इसका जो है ऑफलाइन प्रिंट निकलवाने के बाद ऑफलाइन जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये साथ में लेके जाना होगा, और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएंगे। तो गाइस इसी तरीके से जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।